आप सबका जी शुक्रिया वीडियो पे आने का। आज जो हम लेसन कर रहे हैं, ये जो सबक है ये हारमोनियम का पहला सबक है जो मैंने भी सीखा था। तो मैंने कहा चले, काफ़ी लोगों ने कहा था कि हमें हारमोनियम का शुरू बताएं। तो शुरू होता है जनाब, पहले होता है मंदर सबकत, फिर होता है मध्या सबकत, फिर होता है तार सबकत, आखिरी जो तीन चार सुर बचते हैं उनको कहते हैं अति तार सबकत। ठीक है, तो खुदा आप सबको बरकत दे। मैं एक सबकत जो है वो 12 सुर का होता है, ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, वैसे ये भी आ रही बीच में, ठीक है, यहां से यहां तक 12 सुर बनते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं मंदर सबकत, ये है मध्या सबकत, ये है तार सबकत, ये जो तीन चार सुर बच रहे हैं इन्हें कहते हैं अति तार सबकत। अभी जो दूसरा सबक है वो ये है कि हारमोनियम जो है वो पूरा ही कोमल तीव्र होता है। ठीक है, ये कोमल तीव्र, कोमल तीव्र, कोमल तीव्र, कोमल तीव्र, पा जो है बीच में कायम है अपनी जगह पे। ठीक है, तो पूरा हारमोनियम जो है वो कोमल तीव्र ही है। ठीक है, अगर सुरों के जो नाम काफ़ी लोगों ने पूछे थे कि सुरों के नाम क्या है, सुरों के नाम क्या है, ये देखें, सा खरज है, रे ऋषभ है, गा गंधार है, मा मध्यम है, पा पंचम है, धा धेवत है, नी निखाद है। तो ये सा कायम है अपनी जगह पे। ठीक, ये छह जो नाम हैं सुरों को मैंने आपको बता दिए, ये आप लिख कर अपने पास रख लें, फिर देख लें, रे ऋषभ, गा गंधार, मा मध्यम, पा पंचम, धा धेवत, नी निखाद, सा खरज। ठीक है, तो जिस जिस तरह मतलब कि अभी राग आपका चेंज होगा तो सुरों के नाम वही रहेंगे। ठीक है, मतलब अभी शुद्ध माँ है तो माँ तीव्र भी है, पा अपनी जगह पर कायम ही है। ठीक है, देखिए माँ मध्यम है, ये भी मध्यम है। ठीक है, माँ मध्यम, का जो मतलब शुरू है, शुरू मतलब शुरू का जो लेसन है आपके उस्ताद की मर्जी है, वो आपको राग भैरवी बता दे, वो बिलावल बता दे, वो कोई भी मतलब राग आपको बता सकता है आपका उस्ताद जो टीचर होगा आपका। सरे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, मेरे उस्ताद ने मुझे शुरू करवाया था राग बिलावल, क्योंकि बिलावल में काफी जबूर हैं, तो जबूर ही मतलब साथ साथ मैंने जबूर भी सीखे, इसका सरगम पलटा भी सीखा। तो खुदा आप सबको बरकत दे, इसी तरह अपना प्यार इस चैनल के साथ बनाए रखे। सानी धानी सारी सा सा नि ध प म प ध प म ग रे ग म ग रे सा नि रे ग म प ग रे सा। Thank you.
वैसे मैंने सरगम पलटे बताए हुए हैं, राग बिलावल के भी, राग भैरवी के भी, काफ़ी मतलब के जितने भी ठाट हैं, ठाट भी मैंने 10 के 10 बताए हुए हैं, और ठाठों के जो राग हैं वो भी मैंने 15-15, 20-20 एक वीडियो में बताए हुए हैं। तो आप लोग चेक कर लें चैनल पर, तकरीबन काफ़ी वीडियो हैं चैनल पर। तो खुदा आप सबको बरकत दे। तो ये आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए था, तो आप अपने पास लिख कर भी रख लें। तो खुदा आप सबको बरकत दे जी, शुक्रिया वीडियो पे आने।